नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में पॉलिटी डिस्कस किए थे और पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 22 तक बता दिए थे। आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, जिसके दो पार्ट थे, दंडात्मक और निषेधात्मक, और दोनों को बढ़िया से क्लियर करवा दिया था। और दोस्तों, आज बताएंगे आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 30 तक। आर्टिकल नंबर 23 से 30 तक देखेंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में 30 से लेकर 35 तक कवर कर लेंगे और हमारा लोगों का ये भाग संख्या 3 मूल अधिकार जो है निपट जाएगा। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23 जो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है, बलात्श्रम, बेगारी एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध। बलात्श्रम, बेगारी एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध। पहले दोस्तों लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक को बढ़िया टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बलात्श्रम का क्या अर्थ है, बेगारी का क्या अर्थ है और मानव तस्करी का क्या अर्थ है। बलात्श्रम, बेगारी एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध। बलात्श्रम, बेगारी एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया जाए, आर्टिकल नंबर 23 में उल्लेखित है। दोस्तों, बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब होता है आप किसी भी लेबर से या किसी भी कर्मचारी से प्रेशराइज करके उसे, आप उससे ओवर टाइम कार्य नहीं करवा सकते। यानी लिखित में ड्यूटी 8 घंटे की होती है, जैसे कोई इंडस्ट्री है तो उसमें 8 घंटे की ही ड्यूटी होती है। आप 8 घंटे से अधिक वर्क उससे नहीं करवा सकते हैं, उसको प्रेशराइज करके, उसके ऊपर दबाव डालकर। ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो ओवर टाइम कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है तो वो ओवर टाइम कर सकता है, लेकिन आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं, ना ही उसे आप प्रताड़ित कर सकते हैं, ना ही इतने घंटे तुमको कार्य करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गया बलात्श्रम। क्या हो गया? बलात्श्रम। परिभाषा भी लिख लेते हैं, बलात्श्रम, बलात्श्रम। दोस्तों, बलात्श्रम का मतलब है किसी भी कर्मचारी के ऊपर दबाव डालकर 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता। किसी भी कर्मचारी के ऊपर दबाव डालकर 8 घंटे से अधिक उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता। दोस्तों, बलात्श्रम का यही मतलब है। अब इसके बाद बलात्श्रम निपट गया, फिर देखते हैं बेगारी। बेगारी का मतलब दोस्तों बिना पैसे के गुंडाई से किसी से काम कराना, बिना पैसे के किसी से काम करवाना बेगारी है। आप किसी भी कर्मचारी को, किसी भी लेबर को आप बगैर पैसा दिए उससे कार्य नहीं करवा सकते, उसके ऊपर दबाव डालकर कि हम पैसा नहीं देंगे, कार्य करिए, बिना पैसे के आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते। ये उसकी स्वेच्छा है कि वो पैसा ना ले। पैसा ना लेना उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। अगर वो आपको मानता है, कोई आप उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किए हैं, तो उसकी इच्छा है, पैसा नहीं लेगा, फ्री में आपका काम कर देगा, लेकिन आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि बिना पैसे के आप हमारे यहाँ कार्य करिए। तो दोस्तों, ये बेगारी का मतलब हो गया, बेगारी, 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 बिना पैसे के, बिना पैसे दिए
किसी से कार्य नहीं करवा सकते, बिना पैसे दिए किसी से कार्य नहीं करवा सकते। दोस्तों ये बेगारी का मतलब हो गया। अब देखते हैं मानव तस्करी। दोस्तों मानव तस्करी का मतलब है कि आप किसी भी मानव को बेच नहीं सकते हैं, किसी भी मानव को आप बेच नहीं सकते हैं। दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि दास प्रथा का अंत। पहले क्या होता था कि आदमियों को बेच दिया जाता था और जो खरीदार होता था उनका, वो उन आदमियों को लेकर चला जाता था और उनको सिर्फ दो वक्त की रोटी देता था, जीने भर के लिए खाने को देता था और उनके ऊपर बहुत कोड़े बरसाए जाते थे, बहुत उनको प्रताड़ित किया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता था। तो यही है दोस्तों मानव तस्करी। और अनलीगल तरीके से अब भी मानव तस्करी चल रही है, जैसे लड़कियों को बेचा जाता है, उनसे वेश्यावृत्ति का कार्य करवाया जाता है। तो दोस्तों ये लीगल नहीं है, ये अनलीगल है। यही आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है कि बलात्श्रम बेगारी एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया जाए। बलात्श्रम बेगारी एवं मानव तस्करी पर प्रतिबंध। मानव तस्करी की भी परिभाषा लिख लेते हैं। मानव तस्करी किसी भी मानव को बेच नहीं सकते, किसी भी मानव को बेच या खरीद नहीं सकते। दोस्तों यही है आर्टिकल नंबर 23, बलात्श्रम बेगारी एवं मानव तस्करी। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है, ऐसा करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आर्टिकल नंबर 24 को क्लियर करते हैं। बाल श्रम, उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद अब हम इसको मिटा के आर्टिकल नंबर 24 को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि बाल श्रम पर रोक। आर्टिकल नंबर 24 पे कहा गया है कि बाल श्रम पर रोक, यानी आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप किसी ऐसे खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं जिससे कि उनके प्राणों को संकट हो। जैसे पटाखा उद्योग हो गया, कोल माइन कोयले की खान हो गई, जहरीली गैस मीथेन गैस निकलती है उससे, खनन हो गया, या फिर इंडस्ट्रीज हो गई जिनमें खतरनाक कार्य होते हैं, उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। यही है दोस्तों आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में न लगाया जाए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में न लगाया जाए। दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 में इसी चीज का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 दोस्तों धर्म से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है अनुच्छेद
25 अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। समझते हैं इसका मतलब कि अंतःकरण शब्द क्या है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों ये है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। आपको धर्म परिवर्तन के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आप इस्लाम क्यों कबूल कर लिए, आप बौद्ध क्यों बन गए, आप क्रिश्चियन क्यों बन गए, आपको इसके प्रति कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। तो दोस्तों यही है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म का पूर्ण रूप स्वतंत्रता के साथ उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कोई भी धर्म अपनाइए, किसी भी धर्म का प्रचार करिए, परंतु आप जो है किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं एवं उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते। दोस्तों यही आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का दोस्तों मतलब यही है कि आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप उस धर्म का बेहिचक प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, परंतु आप किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बोर्ड काफ़ी भर गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम वन मिनट के लिए साइड हो जाते हैं, फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 26 बताते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26, दोस्तों अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म का सामूहिक आयोजन कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म का सामूहिक आयोजन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आपको इसके लिए कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप ऐसा क्यों किए, ना ही कोई प्रताड़ित करेगा। किसी भी धर्म का सामूहिक आयोजन कर सकते हैं, जैसे दोस्तों हिंदू धर्म से हैं तो दुर्गा पूजा एक प्रकार का सामूहिक आयोजन हो गया, जगराता एक प्रकार का सामूहिक आयोजन हो गया, यज्ञ एक प्रकार का सामूहिक आयोजन हो गया, और अगर आप इस्लाम धर्म से हैं दोस्तों तो जलसा एक प्रकार का सामूहिक आयोजन हो गया, और दोस्तों अगर आप सिख धर्म से हैं तो गुरु पर्व एक प्रकार का सामूहिक आयोजन हो गया। तो दोस्तों आप किसी भी धर्म का सामूहिक आयोजन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इसके लिए आपको कोई कुछ नहीं कहेगा,
कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। आप किसी भी धर्म का सामूहिक आयोजन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप किसी भी धर्म का सामूहिक आयोजन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं दोस्तों, यही आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है। अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 27, अनुच्छेद 27। दोस्तों अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी भी धार्मिक ट्रस्ट से, किसी भी धार्मिक संस्था से कितना भी पैसा कमाया जाए उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे कोई मंदिर का ट्रस्ट हो गया या फिर मस्जिद का ट्रस्ट हो गया, यदि गुरुद्वारा हो गया, यदि कोई भी धर्म है, उस कोई भी धार्मिक संस्था है, उससे धार्मिक तरीके से यदि पैसा कमाया गया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। धार्मिक रूप से अर्जित धन पर, धार्मिक रूप से अर्जित धन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। दोस्तों धार्मिक रूप से अर्जित धन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, यही आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है। अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 28। अनुच्छेद 28, दोस्तों अनुच्छेद 28 में कहा गया है कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें सरकारी पैसा खर्च हो रहा हो, कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें सरकारी पैसा खर्च हो रहा हो उस शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें दोस्तों सरकारी पैसा खर्च हो रहा हो उसमें किसी भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें सरकारी पैसा खर्च हो रहा हो उसमें उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें धार्मिक शिक्षा दोस्तों कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें सरकारी पैसा खर्च हो रहा हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया है। दोस्तों जैसे मदरसा हो गया, मदरसा एक धार्मिक शिक्षण संस्थान नहीं है, वहाँ पर सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है। जैसे संस्कृति विश्वविद्यालय हो गया, वहाँ पर एक भाषा सिखाई जाती है, तो भाषा के आधार पर धर्म को नहीं रिलेट करना है दोस्तों। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या हम लोग
क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी अगर सरकारी पैसा खर्च हो रहा। कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें सरकारी पैसा खर्च हो रहा हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही दोस्तों आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया। दोस्तों बोर्ड काफ़ी भर गया है, प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन मिनट के लिए हम साइड हो जाते हैं, फिर आर्टिकल नंबर 29 बताते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल संख्या 29, आर्टिकल संख्या 29। दोस्तों आर्टिकल संख्या 29 में कहा गया है कोई भी अल्पसंख्यक जो भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर और वेशभूषा के आधार पर यदि भिन्न है तो उसके साथ शिक्षा के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ले सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक जो भाषा के आधार पर, या संस्कृति के आधार पर, संस्कृति का मतलब दोस्तों कल्चर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर, भिन्न है तो उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों कोई भी अल्पसंख्यक जो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर भिन्न है तो उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की गणना राज्य के आधार पर होती है और धर्म से लिया जाता है इनको, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक, बौद्ध अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक। जाति के आधार पर दोस्तों अल्पसंख्यक को नहीं लिया जाता है। दोस्तों जिस राज्य में, कोई भी राज्य हो, जैसे वहाँ पर मान लो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, तो इसका मतलब कि उस राज्य में मुस्लिमों की संख्या 10% से कम है। 10% से यदि किसी भी धर्म की संख्या किसी भी राज्य में होगी तो उस राज्य में उस धर्म को अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो दोस्तों यही कहा गया कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक जो भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर भिन्न है तो उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी कोई राज्य हो और वहाँ पर बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, और बौद्ध जो होते हैं वो खोपड़ी घोटाए रहते हैं, खोपड़ी घोटा के गिरुआ वस्त्र पहने रहते हैं और लंबी शिखा रखते हैं, और वो पढ़ने आ गया तो एक तरह से वो संस्कृति के आधार पर भिन्न है, वेशभूषा के आधार पर भिन्न है, और लोग उसे चिढ़ाने लगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं किया जाएगा, चिढ़ाने लगे या फिर कहा गया कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आप ये कौन कपड़ा पहन के आए हैं, आपको ऐसे नहीं आना होगा। तो दोस्तों यही कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो वेशभूषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर
भिन्न होगा या भाषा के आधार पर भिन्न होगा तो उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 दोस्तों, अनुच्छेद 30 में कुछ नहीं है, यही कि जैसे ऐसा हो रहा है, उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, उसे असहजता महसूस हो रही है, तो वो अपना कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उस शिक्षण संस्थान का खर्च सरकार निर्वहन करेगी। यानी दोस्तों कोई भी अल्पसंख्यक जो भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर भिन्न है और वह शिक्षा ग्रहण करना चाहता है परंतु उसे शिक्षा ग्रहण करने में असहजता महसूस हो रही है, तो वह कोई भी अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उस शिक्षण संस्थान का पैसा सरकार देगी। यही आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया है। वेशभूषा संस्कृति एवं भाषा के आधार पर वेशभूषा संस्कृति एवं भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को, यहाँ यदि लिख लेंगे दोस्तों यदि वेशभूषा संस्कृत एवं भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को शिक्षा ग्रहण करने पर असहजता महसूस हो रही है तो वह अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उस संस्था का खर्च सरकार देगी। दोस्तों आर्टिकल नंबर 30 में यही कहा गया, यदि वेशभूषा संस्कृति एवं भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को शिक्षा ग्रहण करने में असहजता महसूस हो रही है तो वह अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उस संस्था का खर्च सरकार निर्वहन करेगी। दोस्तों आर्टिकल नंबर 30 तक बता दिए हैं। अब दोस्तों कल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आर्टिकल नंबर 31 से लेकर 35 तक बढ़िया टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेंगे और हमारा ये भाग संख्या 3 मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद भाग संख्या 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।